आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मास्टर डिग्री कोर्स यानी एमटेक अगर आप करना चाहते हैं वो भी मैकेनिकल वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए वहाँ कौन कौन सी ब्रांच है और कैसे एडमिशन होगा, किस तरह से उसकी सीट क्या है, पूरा डिटेल में बात करूँगा। तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक के लिए सबसे पहले यहाँ पर ब्रांच आती है केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 4 सेमेस्टर है तो सब कोई जानता ही है, और यहाँ पर उसकी सीट जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 20 सीट है। और उसका प्रोसेस क्या हम बात करें, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन आपका आप देख सकते हैं बीटेक आपका होना चाहिए। बीटेक का इक्विवेलेंट ब्रांच आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से बीटेक किया है उसका इक्विवेलेंट, या उसी तरह से कोई और अदर कोर्स के MIO वगैरह जो भी किया है जो इसका इक्विवेलेंट है, तो 60% मार्क अगर आपने पास आउट कर लिया तो आप वहाँ से बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक कंडीशन और है, यहाँ पे जो भी एडमिशन आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में होगा उसके लिए यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस कि किस बेस पे होगा सिलेक्शन प्रोसेस आपका एमटेक में, तभी होगा जब आप गेट क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ गेट एप्लीकेशन क्वालिफाई स्कोर 50% आर एबव कैंडिडेट क्वालिफाई द 50% आर एबव गेट स्कोर। अगर आप गेट का एप्लीकेशन गेट का फॉर्म अप्लाई किए होंगे और गेट का एग्ज़ाम देंगे तो 50% अगर मार्क्स आएंगे आप गेट में तभी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बहुत मेन पॉइंट है आपके लिए वहां एडमिशन अगर लेना चाहते हैं। उसके अलावा बात करते हैं वहां का सेंटर कहां कहां जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं सेंटर की। अगर बात करें तो वहां पे अलीगढ़ में ही रहेगा, अलीगढ़ यूपी में, यानी यूपी में केवल इसका सेंटर रहेगा। उसके अलावा अगर फीस की बात करते हैं और फॉर्म की लास्ट डेट की बात करते हैं तो 11 मार्च उसकी लास्ट डेट होगी, जनवरी फरवरी मार्च 11 अप्रैल उसकी लास्ट डेट होगी। उसके बाद उसकी फ़ीस चार्ज जो है 500 रुपये है। अगर आप लेट में फीस करेंगे लेट में तो 18 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन 11 अप्रैल के बाद आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, यानी आपका 800 रुपये फीस लगेगा फॉर्म का, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म का। उसके अलावा शेड्यूल प्रोसेस क्या है, टेस्ट शेड्यूल क्या है, यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 20 जून को आपका एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस का, और ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा, और 9 बजे से आपका सुबह 11 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं एमटेक की अदर ब्रांचेस, ये तो थी केमिकल ब्रांच। उसके अलावा और भी वहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कि 4 सेमेस्टर इन 2 साल की होती हैं। सबसे पहले ब्रांच वहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, और फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके बाद आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से 4 ब्रांच और है वहाँ पे, और जिसका सीट वगैरह की हम बात कर लेते हैं। तो सीट अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आते तो वहाँ 16 सीट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वहाँ पे 16 सीट है यानी, और उसके बाद इन्वायरमेंटल की बात करें तो वहाँ पे 16 सीट है, और जियो टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे 10 सीट है। टोटल अगर बात किया जाए तो वहाँ पे 58 सीट है, 58 सीट है, 16 सीट इसमें है इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर हाइड्रोलिक, और 10 सीट है जियो टेक्निकल में। और उसके बाद बात आती है इसका प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है इसकी। तो बीटेक ही इसका क्वालिफिकेशन है, बीटेक इसका भी 60% मार्क कम से कम होना चाहिए, 60% या उससे अबव मार्क होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक यहाँ पॉइंट और दिया हुआ, देखिए आप देख सकते हैं कैंडिडेट बिलोंग टू केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आल्सो एलिजिबल एडमिशन टू एमटेक यानी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। यहाँ पे इसका एक ये ज़रूरी इसको पढ़ना। उसके बाद आपको यहाँ पे और सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है पूरा कैसे होगा। तो यहाँ पे बेस्ट गेट के बेस्ट में होगा, अगर आपका स्कोर 50% गेट में आता है तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं एमटेक में उन सारी ब्रांचेस में। उसके अलावा यहाँ टेस्ट कैसे होगा, उसकी फ़ीस वगैरह क्या है, और टेस्ट सेंटर क्या है। टेस्ट सेंटर की बात करें तो टेस्ट सेंटर केवल यूपी में होगा अलीगढ़ में, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया। और उसके बाद बात करें कि ये इसकी फ़ीस, इसका फॉर्म और फीस कैसे कितना क्या है, तो फॉर्म इसका 11 अप्रैल से स्टार्ट हो, 11 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, और विदाउट चार्ज अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो 11 अप्रैल। अगर आप फीस पेनाल्टी देना चाहें तो आपकी 300 रुपये पेनाल्टी लगेगी, 18 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपकी 300 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी। और किस डिपार्टमेंट में इसकी हेड ऑफिस है, यहाँ पे दिखाया गया सिविल इंजीनियरिंग MU इसकी हेड ऑफिस है, इन सारे जो फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। और करेक्शन की जो डेट आएगी वो यहाँ पे शो मेंशन कर दिया गया है, 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल इसकी करेक्शन की डेट होगी। और इसका एग्ज़ाम टेस्ट शेड्यूल कब होगा, इसका 20 जून को 2 आवर्स 2 घंटे का होगा, और 12 बजे से स्टार्ट होगा, 2 बजे तक होगा 2 घंटे का। उसके अलावा आप बात करते हैं मास्टर टेक्नोलॉजी यानी एमटेक की, एमटेक कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो भी
चार सेमेस्टर है तो है ही नॉर्मली, 16 सीट वहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, 16 सीट वहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका भी बेस्ट वही है, 60% मार्क आपको क्वालिफाई होने चाहिए तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, 60% मार्क आपका होगा तभी आप वहाँ पे बीटेक या एएमआई उसके इक्वेलेंट कोई कोर्स के जो बीटेक के इक्वेलेंट है तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आपको, उसके अलावा पार्ट नंबर टू इसमें है आपका, आपने अगर गेट का फॉर्म अप्लाई किया है और आपके 50% स्कोर आते हैं तभी वहाँ आप एलिजिबल होंगे, यानी आपको ये दोनों पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा, आपको इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, उसके साथ साथ गेट का फॉर्म भी क्वालिफाई करना है और 60% मार्क्स भी आपके आने चाहिए बीटेक में तभी आपका एडमिशन होगा। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे पेपर किस टाइप का होगा, तो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पी, चार विकल्प वाला होगा। उसके अलावा अगर बात करें सेंटर, तो सेंटर केवल अलीगढ़ यूपी में होगा। और फिर उसके बाद आती है फीस और उसकी शेड्यूल, फीस कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 11 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस 500 रुपये है, लेकिन अगर आप लेट कर देते हैं तो आपको 7 दिन का और टाइम दिया जाएगा, 18 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपसे 300 रुपये एक्स्ट्रा यानी 800 रुपये आपका फीस लगेगा। यहाँ पे उसकी जो है हेड ऑफिस बता दी गई है। उसके अलावा आप शेड्यूल देख सकते हैं, शेड्यूल इसका 20 जून को एग्ज़ाम होगा और आपका मॉर्निंग में 9 बजे से 11 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। ये था कंप्यूटर साइंस की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अब हम बात करेंगे एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, यहाँ पे कई सारी ब्रांच है, उसके अलावा भी और भी आप ब्रांच से कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। उसके अलावा एक ब्रांच और है यहाँ पे, ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वहाँ पे 6 सीट है एएमयू में। क्वालिफिकेशन तो मैं बता ही चुका हूँ, सब वही है, गेट में 50% और बीटेक में आपका 60% होना चाहिए, सेंटर वही ऑब्जेक्टिव टाइप, सेंटर अलीगढ़ है और उसका टाइमिंग भी वही है, 11 अप्रैल लास्ट डेट है और 18 अप्रैल पेनाल्टी के साथ 300 रुपये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आती है एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमटेक में वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो आपका पहले बता दो गेट के थ्रू होगा, आपको बीटेक में 60% मार्क लाना एलिजिबल है और गेट में आपका 50% स्कोर होना एलिजिबल है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। और वहाँ पे ब्रांच की बात आती है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करना चाहें तो इंस्ट्रूमेंटल पावर सिस्टम और हाई वोल्टेज सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, जिसकी इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल की 17 सीट, पावर सिस्टम ड्राइव्स की 17 सीट, जबकि हाई वोल्टेज एंड इंसुलेशन की 10 सीट और सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की 10 सीट है। यहाँ पे टोटल अगर सीट की बात करें 54 सीट है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। और उसका प्रोसेस अब वही है, शेड्यूल आपका होगा 11 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल आपका फॉर्म फिल कर सकते, 11 अप्रैल तक, 11 अप्रैल लास्ट डेट है, इस बात को ध्यान रखें, 11 अप्रैल लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 500 रुपये आपका चार्ज लगेगा, लेकिन अगर आप लेट फीस करते हैं तो आपका 300 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, 800 रुपये में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 18 अप्रैल तक। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं, नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर हमको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं एमटेक में, तो फिर आपके लिए वहाँ पे 2 ब्रांच आपको मिल जाएगी, एक कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट एंड सिस्टम डिजाइन, जिसकी 16 सीट वहाँ पे आपको मिल जाएगी और क्वालिफिकेशन बीटेक में 60% मार्क्स और गेट में आपका स्कोर 50%, यह होना लाना कंपलसरी तभी आपका एडमिशन होगा। टेस्ट पेपर शेड्यूल की बात करें तो ऑब्जेक्टिव होगा और अलीगढ़ में केवल सेंटर होगा, यूपी में केवल मंडली बन जाएगा। और अगर फीस टाइमिंग क्या है, फॉर्म लास्ट डेट इसकी अप्लाई की आप यहां दे सकते हैं, 11 अप्रैल लास्ट डेट है और अगर आप एक हफ्ता आपको बाद में फिल करने का समय दिया जाएगा, 18 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपका 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 800 रुपये लगेगा, अगर आप 11 अप्रैल तक फिर करें तो 500 रुपये लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे करेक्शन की डेट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, 20 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक करेक्शन का डेट, आपको 4 दिन का मौका दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आपका एक दिन दो दिन पहले आएगा, एग्जामिनेशन जो डेट है उसके एक दिन दो दिन पहले आएगा, टेस्ट शेड्यूल आपका 20 जून को होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 12 बजे से 2 बजे तक आपका पेपर होगा। फिर बात आती है मास्टर ऑफ टेक्निकल इंजीनियरिंग यानी एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि कोर ब्रांच है, सबसे ज़्यादा सीट आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीटेक एमटेक दोनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा सीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। आप बीटेक करते हैं तब भी आपको 90 सीट मिल जाएगी टोटल, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तब भी आपको वहाँ पे 60 सीट मिल जाएगी, सबसे ज़्यादा सीट वहाँ पे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 सीट है, 20 सीट है थर्मल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 20 सीट है और मशीन
डिज़ाइन में भी 20 सीट है, यानी तीन ब्रांच है और टोटल 60 सीट है, 20 20 सीट है। क्वालिफिकेशन आपका वही है, 60% आपका बीटेक में होना चाहिए और 50% आपका गेट स्कोर होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा और यूपी में आपका केवल अलीगढ़ में सेंटर होगा। और आप 11 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ₹500 आपका चार्ज है फॉर्म का। और 18 अप्रैल तक आप ₹300 एक्स्ट्रा देकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब उस करेक्शन की डेट बात करें तो 20 से लेकर 24 अप्रैल तक करेक्शन कर सकते हैं, और एक से दो दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जामिनेशन के। ऐसा आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे जो भी डेट होगी उसके दो दिन पहले ही आपका एग्ज़ाम उसका आएगा, यानी 20 जून को अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आपको 18 या 19 के आसपास आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन डेट है, और 2 घंटे का पेपर होगा, 9 बजे से 11 बजे तक पेपर होगा। उसके बाद बात आती है एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक और सीट, वहाँ पे रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, जो कि 4 सेमेस्टर 2 साल का होगा और 18 सीट इसकी टोटल है। और इसकी क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो 60% बीटेक मार्क्स और 50% गेट स्कोर आपका होना कंपलसरी है। पेपर टाइप आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और सेंटर की बात करें तो केवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, यानी अलीगढ़ यूपी में केवल सेंटर होगा। और इसकी अगर डेट की बात करें तो लास्ट डेट 11 अप्रैल है और ₹500 फीस है। लेकिन अगर आप लेट में फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 7 दिन का और टाइम दिया जाएगा, लेकिन आपसे ₹300 एक्स्ट्रा लगेगा, आपका ₹800 फीस लगेगी। 18 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें हम करेक्शन की, तो 20 से लेकर 24 तक आपको करेक्शन की डेट दी जाएगी, 4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका 18 या 19 जून को आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी एक से दो दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जामिनेशन के। और 17 या 18 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, सॉरी। और आपका टेस्ट शेड्यूल क्या है, 19 जून 2020 आपका टेस्ट शेड्यूल है। 2 घंटे का पेपर होगा, 3 बजे से स्टार्ट होगा, 3 से 5 बजे तक। उसके बाद बात आती है पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एमटेक अगर पेट्रोलियम से आप करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो उसका भी 4 सेमेस्टर है, 2 साल का होगा, सीट्स टोटल 16 है। और बात करें क्वालिफिकेशन की, तो बीटेक में 60% और गेट में आपका 50% स्कोर होना कंपलसरी है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और सेंटर केवल यूपी अलीगढ़ होगा। बात करते हैं इसकी फॉर्म की, लास्ट डेट 11 अप्रैल लास्ट डेट है, और फॉर्म फीस ₹500 है। लेकिन अगर आप लास्ट में यानी लेट में फिल करते हैं फॉर्म, तो आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, लेकिन आपसे ₹300 एक्स्ट्रा लगेगा, यानी ₹800 आपका फॉर्म की फ़ीस करेगी। और 18 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद 20 से 24 अप्रैल तक आपका करेक्शन की डेट रहेगी, 4 दिन में आप करेक्शन कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड 1 से 2 दिन में आपके एग्जामिनेशन से पहले आएगा, यानी 20 जून अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आपका 17 या 18 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 17-18 जून को। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 बजे से स्टार्ट होगा। फिर बात आती है नैनो टेक्नोलॉजी की, एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केवल 15 सीट है, जो कि 2 साल का तो कंफर्म है। 60% स्कोर होना चाहिए बीटेक में आपका, और गेट में आपका कम से कम 50% स्कोर होना चाहिए। 50% जब उससे अब स्कोर होगा तभी आप वहाँ पे क्वालिफाई होंगे, आप बैठ सकते हैं वहाँ पे, आप एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, सेंटर आपका केवल यूपी अलीगढ़ होगा। उसके अलावा फीस आपकी 500 है, लास्ट डेट 11 अप्रैल है। और अगर आप लेट फिल करेंगे तो आपको 18 अप्रैल तक फिल करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन आपसे ₹300 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, आपका ₹800 लगेगा। और करेक्शन की डेट बाद 20 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल, यानी 20/4/2020 से 20/4/2020 तक, 24/4/2020 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। 1 से 2 दिन पहले आपका एग्जामिनेशन से एडमिट कार्ड आएगा, 19 जून को आपका एग्ज़ाम है, और 2 घंटे का पेपर होगा, 9 बजे से स्टार्ट होगा, 9 से 11 बजे तक। फिर बात करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एमटेक, आप एमटेक में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो उसकी सीट केवल ओनली 6 सीट है। और आपका जो क्वालिफिकेशन वो ज़रूरी है, यहाँ पे आपको देखना बीटेक और बीई आपका होगा तभी होगा, बीटेक या बीई या फिर इक्विवेलेंट या बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी या केमिकल, इस तरह से पूरा आप पढ़ सकते हैं इसको, आपका होगा। और 60% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यह है, यहाँ पे गेट में आपका कम से कम 50% मार्क्स, ये देखिए गेट का यहाँ पढ़ सकते हैं, वैलिड गेट स्कोर ओनली एनी द अबव डिसिप्लिन एसेंशियल अलाउड कोर्स अंडर इम्पॉर्टेंट रोल्स। तो इस तरीके से आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं पेपर की, तो पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, यूपी अलीगढ़ केवल सेंटर होगा। 11 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है,
फॉर्म फिल कर, 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, और 18 अप्रैल में, 11 अप्रैल के बाद अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो 18 अप्रैल तक आप फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए मेरे आपको सजेशन है कि 11 अप्रैल से पहले पहले आप फॉर्म फिल ज़रूर कर लेना, और आपका फीस चार्ज तब आपका 500 कटेगा, नहीं तो आपसे 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। करेक्शन डेट वही है, 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक, 1 से 2 दिन में आपका एडमिट कार्ड आएगा। एग्जामिनेशन के पहले अगर आप 22 का आपका एग्जामिनेशन है 22 जून को, तो फिर आपको 19-20 के आसपास आपका एडमिट कार्ड आएगा, और 2 घंटे का आपका पेपर है 9 से 11 बजे तक, 9 से 11 बजे शाम में, 9 PM से 11 PM तक आपका पेपर होगा। फिर बात करते हैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ भी 12 सीट टोटल है और 4 सेमेस्टर तो कन्फर्म है ही। उसके अलावा आपको बीटेक या इक्विवेलेंट कोई अदर ब्रांच से अगर आपने किया, जो बीटेक के इक्विवेलेंट 60% मार्क होना चाहिए, जबकि गेट में आपका कम से कम 50% या उससे अबव स्कोर आपका होना चाहिए। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और UP अलीगढ़ सेंटर होगा। बात करें इसकी डेट की, तो लास्ट डेट इसकी 11 अप्रैल है और फीस 500 रुपये है, लेकिन अगर आप लेट भर फिल करेंगे तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज यानी 800 रुपये देना पड़ेगा। 18 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देके। टेस्ट शेड्यूल इसका 23 जून को होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 9 AM से सुबह 11 बजे तक आपका पेपर हो जाएगा। तो ये सब थी पूरी डिटेल्स मेरी बीटेक ब्रांच की कि AMU में किस किस सीट की कितनी क्या ब्रांच है, टोटल मैंने बताया है। उसके अलावा मैं ये भी वीडियो डाल चुका हूँ कैसे AMU का फॉर्म फिल करना है, पूरा डिटेल में मैंने वीडियो डाला है, मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजिंग है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस डालता रहता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड वगैरह को शेयर ज़रूर करें। तो इस तरह की नई नई वीडियोस और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।